आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवा रहा हूं जो पूर्णतः जैविक खेती करता है। जिस प्रकार बागवानी में मैंने रामचंद्र पाटीदार जी को मिलवाया था, उसी प्रकार एक दूसरे किसान से मिलवा रहा हूं जो कि गन्ने की खेती करता है। वो गन्ना उगाता है, वो गेहूं उगाता है, और उसके गन्ने की जो बहुत विशेषता है वो है कि बहुत कम से कम बीज का प्रयोग करना और उसकी बहुत अच्छी बिक्री करना। किसान साथियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी। आगे बढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि उत्तर भारत में और अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखो और जो हमारे से लगा हुआ हरियाणा का इलाका है, तो वहां पर मुख्य खेती गन्ने की होती है। गन्ना अगर बहुत अधिक पैदावार कर लो, आप इस खेत को देखिए, ये जो मेरे पास है बिल्कुल लगा हुआ है, ये गन्ना कितनी पैदावार दे सकता है। हमारे यहाँ एक एकड़ में 6 बीघे होते हैं और एक बीघे में अधिक से अधिकतर ये 60 से 70 क्विंटल दे सकता है। चलिए हमने 70 क्विंटल मानकर चलते हैं, बहुत अच्छी औसत पैदावार निकलती है 70 क्विंटल की मेरे इलाके में। जिनकी खेती ज़्यादा है वो कहते हैं कि 55, 60, 50 इतने औसत निकलता है। चलिए हम मान के चलते हैं 70 क्विंटल। गन्ने का भाव है, चलिए 350 रुपये क्विंटल मान लीजिए। तो अगर 70 क्विंटल एक बीघे में हुआ तो 6 बीघे में 420 क्विंटल हुआ, और 420 क्विंटल को अगर आप रफली 350 से गुना कर दो तो लगभग 1.5 लाख रुपये का गन्ना बैठता है। चलिए ये तो हुई एक बात, ये मोटी मोटी बात बताई है मैंने। अब इसमें लागत आई तो एक किसान से मैं कह रहा था, अगर इतनी आमदनी है तो फिर आपकी हालत ऐसी क्यों है? तो कहने लगे कि जी इसमें आधा तो आपका दवाई और खाद में निकल जाता है, लेबर, छुलाई की लेबर, बुहाई की लेबर, खाद की मात्रा, और इसमें मैंने उनको देखा है कि वो दवाई ही दवाई इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का पूरा इस्तेमाल करते हैं। अब आइए आप मिलिए तकदीर सिंह से, जो झज्जर जिला के रहने वाले हैं, हरियाणा के हैं, और आप उनके मुख श्री से सुनिए कि वो क्या करते हैं। पहले देखिए ये वीडियो, इस वीडियो में थोड़ा आवाज़ की समस्या है और मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है, इसलिए आप ये ध्यान दीजिए कि तकदीर सिंह क्या कह रहे हैं, देखते हैं ये वीडियो। आज हम अपने खेत में गेहूं की बिजाई कर रहे हैं, बेड पे गेहूं की बिजाई हो रही है और नाली में हम गन्ना लगाएंगे जिसकी हमने नर्सरी तैयार कर रखी है, और 15023 हमारे पास गन्ना है और बंसी गेहूं लगाया है, और इस बंसी गेहूं को हम ये पूर्ण रूप से हमने जैविक तैयार किया है, और इस बंसी गेहूं की मार्केट में हम कीमत 5,500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बेच रहे हैं, और इस 15023 गन्ने से हम अपना स्वयं गुड़, खांड, शक्कर तैयार करते हैं। गुड़ हमारा मार्केट में 80 रुपये किलो, शक्कर हमारी 100 रुपये किलो, और खांड हमारी 150 रुपये प्रति क्विंटल जाती है। कि अगर इस तरह के किसान भाई, हमने इसके अंदर प्योरली राजू डिशिक भाई की पद्धति से जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करके लगाया हुआ है इसमें की, और ये मशीन एक साथ कम से कम 3 से 4 बिजाई कर सकती है। इस मशीन के द्वारा ही हम गन्ने की बिजाई भी हो गई, गेहूं की बिजाई हो गई, और गन्ने में नड़ाई भी करेगी और गन्ने में मिट्टी भी चढ़ाएगी। हमें किसी प्रकार की कोई दूसरी मशीन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये मशीन स्वयं मैंने अपने आप ही तैयार की हुई है, और मेरा नाम तकदीर सिंह, गांव सरोला, जिला झज्जर, मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर 9782513666 है। और अगर किसान भाई जैविक पद्धति से गन्ना की बिजाई करेंगे तो उनको किसी प्रकार का गेहूं की बिजाई करेंगे तो कोई भी नुकसान होने की वो है, किसान भाई रासायनिक के चक्कर में न पड़ के केवल जैविक तरीके से और राजीव दीक्षित भाई की तरीके से खेती करेंगे तो बहुत ही लाभ होगा। कम से कम मल्टी लेयरिंग में कम से कम 2 फसलें हमें लेकर लेती है, 3 ले लें तो और भी बढ़िया है। जैसे हमने कर रखा है, इसमें हमने मात्र 20 किलो गेहूँ प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई की है, और गन्ना हमने जो नर्सरी तैयार की है मात्र ही 1.5 से 2 क्विंटल गन्ना लगेगा। और अगर भाई क्रंच मेथड से भी बिजाई करना चाहे, डायरेक्ट
गन्ने की आंख लगाना चाहें तो उसमें बड़ी मुश्किल से 8 से 10 क्विंटल गन्ना प्रति एकड़ के हिसाब से औसत आएगी। और इस गन्ने की जो वैरायटी है बहुत अच्छी है, इसमें गुड़ की रिकवरी लगभग 1 क्विंटल गन्ने में 15 किलो के आसपास है, जो कि हमने निकाल के देखा हुआ है। ये करनाल ICR इंस्टीट्यूट द्वारा 15023 गन्ना तैयार किया हुआ है डॉक्टर रविंदर के द्वारा, और इसमें किसी प्रकार की वो नहीं है। और खरपतवार के लिए हम इसकी मशीन से या हाथ से ही लड़ाई करते रहेंगे, और ये मशीन हमने स्वयं तैयार की है। और इस मशीन को देखना किसान भाइयों, हम इस मशीन के द्वारा ही अपना काम करते हैं सब कुछ। किसान को किसी भी प्रकार की और मशीन लेने की नहीं है, ये मल्टीपर्पज़ मशीन है। इस मशीन से हम एक साथ कम से कम 4-5 काम एक साथ हो जाते हैं, जैसे गन्ने और गेहूं की बिजाई हो गई, गन्ने में नड़ाई हो जाएगी, और गन्ने में ये मिट्टी चढ़ाने का भी काम करेगी। और इसमें किसी प्रकार की ज़्यादा नहीं है, ये लगभग मशीन 50 से 60 हज़ार रुपये में तैयार हो गई है। और इस मशीन को हम पिछले 2-3 साल से तैयार कर रहे थे, इसमें कुछ ना कुछ हमारे से गलतियाँ हो गई हैं। अब की बार हमने इस मशीन को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया है, और ये मशीन मैंने स्वयं ही तैयार की है। केवल मिस्त्री का काम तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, वेल्डिंग का काम है, वो कोई काम नहीं है। और इस मशीन को देखना कितनी शानदार बिजाई कर रही है, एक बार किसान भाई अवश्य देखें और हमारी बात को देखकर हमें कमेंट करें कि हमें कितना अच्छा काम किया। ये देखना हमारी मशीनें चल रही हैं, और इसमें ये हमारा 15 बंसी गेहूँ, इसमें आप देख सकते हैं बंसी गेहूँ के साथ हम बिजाई कर रहे हैं। ये हमारा बंसी गेहूँ है, इसके अंदर हमने 5-6 क्विंटल घनजीवामृत प्रति एकड़ डाल दिया है, और किसी जीवामृत की परिवार के साथ हमने लगा दिया है, और इसी प्रकार की कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं। हमने ये 15023 गन्ने की नर्सरी तैयार कर रखी है, और हमारा गन्ने की नर्सरी की परली साइड में हमने 15023 गन्ना लगा रखा है। ये हमारे पास दूसरी वैरायटी 27 की है, और इसका मूढ़ा भी है। 27 भी गन्ना किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है, और ये नर्सरी लगभग मात्र 2 क्विंटल गन्ने में काम चल जाता है, ज़्यादा गन्ने की आवश्यकता नहीं। अगर किसान थोड़ा ही भाई मेहनत करें तो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है। धन्यवाद। अभी आपने तकदीर सिंह जी को सुना और उनका जज्बा देखा। मैंने उनसे पूछा कि आपने ये वीडियो मुझे क्यों भेजी। कहने लगे कि त्यागी जी आप कुछ भी कह लो, लेकिन जो असली में अगर जैविक खेती करते हैं तो राजीव दीक्षित जी से बढ़िया कोई भी बात नहीं है। वो जीवामृत का भी इस्तेमाल करते हैं, घनामृत बनाते हैं, और आपका गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, जो भी आपने सुना हो। मोटे तौर पर उन्होंने ये बताया कि गन्ने और गेहूं की अगर आप फसल लेते हैं तो साल में प्रति एकड़ 2 लाख रुपए की बचत वो कर रहे हैं। ये बचत बताई है उन्होंने 2 लाख की, जो कि एक बहुत अच्छी आमदनी है। किसान साथियों, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस विषय पर कुछ सोचना चाहिए, या प्रदेश सरकार को। ऐसे किसानों को पुरस्कृत करना चाहिए और ऐसे किसानों का सम्मान करना चाहिए जो कि एक प्रयोग कर ये सफल बताते हैं कि इतनी आमदनी हो सकती है। रामचंद्र पाटीदार जो अमरूद की खेती से इतनी आमदनी करते हैं, तकदीर सिंह उन्होंने कहा है कि जो एक मेरे पास कॉलेज है इसका एग्रीकल्चर का, वो कहते हैं उसके गवर्नमेंट के ऑफिसर भी आए कि इतने कम बीज से आप गन्ना पैदा कर ही नहीं सकते, ये चैलेंज है उनके लिए, क्योंकि उनकी जानकारी केवल किताबी जानकारी है। अब किसान साथियों, मोटे तौर पर ये समझ लीजिए, इस वीडियो को दिखाने का मेरा एक तात्पर्य था, अगर आप जैविक बागवानी या जैविक खेती करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कम से कम 3 वर्ष। ध्यान रखिए, 3 वर्ष। अगर अब तक आपने खेती में या बागवानी में, उस ज़मीन में जिसमें बागवानी करने जा रहे हैं या खेती करने जा रहे हैं जैविक खेती, तो और अब तक उसमें केमिकल का प्रयोग हुआ है, तो आपको 3 साल लगेंगे। और जैविक बागवानी के लिए आपकी कार्बन कम से कम 0.6 होनी चाहिए। अगर 0.6 से कम है तो आपको इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपकी ज़मीन भुरभुरी होनी चाहिए, केचुओं की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए,
और इसमें दो तीन आपको मुख्य बातें ध्यान रखनी है। आपको अच्छी गोबर की खाद का इस्तेमाल करना है, आपको जीवामृत देना है, आपको घनामृत देना है, आपको वेस्ट डिकम्पोजर देना है, आपको पत्तियों का रस बनाना है और आपको माइक्रोन्यूट्रेंट का भी प्रयोग करना है। अगर आप ये शुरू करेंगे तो पहले साल में थोड़ी सी समस्या आएगी, उसके बाद समस्या आनी खत्म हो जाएगी। अगर पहले साल में आप शुरू कर रहे हैं तो एक एकड़ में कम से कम 4-5 ट्रोली गोबर की खाद डालिए, अच्छी सड़ी हुई घर पर खाद बनाइए, अच्छी डालिए, उसमें आप ढेंचा लगाइए, उसमें हरी खाद का प्रयोग करिए और फिर बागवानी शुरू करिए। देखिए आपके तीसरे साल की कितनी अच्छी बागवानी होगी। किसान साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे इस प्रकार के किसान मेरे से वार्तालाप करते हैं, मेरे से थोड़ी सलाह भी लेते हैं और मुझे भी अच्छी अच्छी बात करते हैं। मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। साथियों, एक नई चीज़ साझा करना चाहूँगा। पिछले 2 वर्ष से जो मैं बागवानी कर रहा हूँ उसमें मैंने प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद डाली है, लेकिन उसमें मैंने केमिकल भी इस खेत में प्रयोग किया है। इस बार मैंने स्पेशली 8 ट्रोली गोबर की बनाई है। आप देखिए कि इस तरह से ये खाद को मैं खाद बना रहा हूँ जो जून में मैं दूंगा, इस बाग में दूंगा। और एक छोटा सा मैंने ये बनाया है, ये 2 ड्रम रखे हैं यहाँ पर खेत के बीच में, ताकि इससे पानी निकालें और मेरे जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें पौधों में सीधा दे सके। आधा खेत इधर है, आधा खेत इधर है। 1000 लीटर में जीवामृत है और 1000 लीटर में वेस्ट डिकम्पोजर है। ये पाइपलाइन यहाँ से आई हुई है सिंचाई की, इससे मैंने जुड़वा दी है। आप देखिए, इन्हें खोलिए आप तो पानी डालिए, जीवामृत बनाइए और दूसरी तरफ देखिए इसको, ये दूसरी तरफ यहाँ से खोलिए, बाल्टी रखिए और पौधों में दीजिए। मेरे यहाँ आधे दिन का भी समय नहीं लगता, मेरे 3 कार्यकर्ता हैं और वो फटाफट इनमें डालते हैं। मैंने ये निश्चय किया कि हर पौधे में 1 माह में कम से कम भी 2-3 लीटर डिकम्पोजर और 2-3 लीटर जीवामृत अवश्य जाना चाहिए प्रत्येक पौधे में। और अब से मेरी यह कार्यक्रम शुरू कर, ये निरंतर चलता रहेगा। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा गुड़ भी मंगा कर रख लिया, बेसन भी रख लिया और सब चीज़ों का इंतजाम कर लिया। और शीघ्र ही मैं दिखाऊंगा कि मेरे फार्म पर किस प्रकार एक गाय है और मैं उसका प्रयोग करूँगा। गाय मैंने सेलेक्ट कर ली है, जल्दी ही मेरे फार्म पर आएगी, बहुत सुंदर गाय है और उससे मैं पूर्णतः जैविक खेती में इसको अगले 2 साल में कन्वर्ट कर दूंगा। इसी के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।